नमस्कार। पिलादिनर कथाटिए बैकुंठ समान आहा अटे से ही घर परस्पर स्नेह जई थाए निरंतर घर एमिति कहि हबो घर हेला घन रर हेला रस घन रस हेला निबिड़ प्रीति निबिड़ प्रीति जोठी विराजमान करी थाए सी होची गोटे घर कांथ छात तल एकाठी हेले घर कौन हो जाए से चाल घर हो कि कोठा घर मार्बल घर हो कि आउ कौथर गुंफा भी हो घर सेठी जोठी स्नेह अच्छी प्रेम अच्छी प्रीति अच्छी समस्त भितर सौहार्द अच्छी जो कि लोक रे से भितर जदि एक मन एक भाव न रहा केमती हम बैकुंठ कौटी ता जना नहीं विष्णु आस्थान बोली जहाँ शुणी थाए केमी किंतु घर टीए बैकुंठ हो पारे बैकुंठर मर्यादा नहीं पारे सुख दे पारे शांति दे पारे आमको जिते जहाँ मिलू जदि संतोष न मिलला ताहले आमे कौन कहिबा आमे धन पाई सुखरे अच्छे बेस बड़ घर सुखरे अच्छे संतोष पाउचे बोली कहिपरिबा यदि निधन होउथिबो से जो जदि कंटक परी लागुथिबो सकाळ केमिति संध्या केमिति ता आमे जानु नथिबा पवन केमिति ता आमे जानु नथिबा ए मुहूर्त रे घड़ी संधि मुहूर्त रे घरे रहिकिरी निजकु श्रृंखलित करी रखिकिरी परिवार रो साथीरे आपण कौन करुथिबे निश्चय अनुभव करुथिबे ए वर्ष बसंत आसीछि पक्षीर काकळी शुभुछि कोइलीर मधुर स्वर शुभुछि मने पडुथिबो पिला दिने पडिथिबा छोटिया कविता टीए एही घरटी रे जन्म मोर घर नुहे से तो स्वर्गपुर से स्वर्गपुर आम कौन करू ना एकाठी बसु एकाठी हसु एकाठी सब कम करू समस्ते एक मन होकर रहू कहगला बेदर संग चध्वम संबदध्वम संग चध्वम संबदध्वम संभो मनांसी जानतम पुणी कहला समानी भ आकुति ही समान हृदयानी भ समान मस्तु भो मन यथा बसु सहासती समस्त मन सामान हम ताहले जाकि मन हृदय सब सामान हेले सेठी गोटे सुंदर भाव विराजमान करें सेटा गोटे घर बोली कह घर को पांथशाला मणुवा मनीष मैने गोटे भूताणुर डर घर को आदरी बाध्य प्रथमे प्रथमे लागुथिला केमिति मु केमिति रहिबे घरे केमिति रहि पारिबे एते समय किंतु जेते बेले बाध्य बाधकता पड़िला आमर आउ गोटे गुण होउछि आमे सबु नकारात्मक परिस्थिति मध्य गोटे आशा तार आलोक देखु ता संगरे मिसि जाउ ताकु आदरिबाकु चेष्टा कर तेणु से आदरपण आम भितर अंकुरी उठी से अंकुरण को आम देखुचे आम पाटी हसुची जी खोजुला केतबाला देखा हे बापा केत देखा माँ आवश्यक हेले खाली पैसा मिल जाऊँगी किंतु से मानकर स्नेह सौहार्द मिलूना ता मिली बाहर आम जो विभिन्न प्रकार खाद्य खाऊ के एमती लगुला आम खाई बंचीचु किंतु एवं आमे बंचिबापाई खाऊ एबे जदि देखा जीव डाक्तरखाना को केते रोगी जाउचंती रोगी को संख्या कमी जाइछि ए सबुर कारण आम जीवन धारा बदली जाइछि निकट रे जलंधर सहर रो हिमाचल प्रदेश सेठी खूब निकट रे हिमालय पर्वत सेठी कुटे पर्वतर रूप देखि लोक माने बिहोलित हो गले कारण कौन ना जेहेतु प्रदूषण कमी जाइछि धूली धुआं कमी जाइछि
ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଆଜିକାଲି ଘର ଓଳେଇଲା ବେଳକୁ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଧୂଳି ବାହାରୁଥିଲା ଏବେ ସେତିକି ଧୂଳି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଗଲେ। ତେବେ କ'ଣ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ଲୋଡ଼ୁଥିଲା ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଲୋଡ଼ୁଥିଲା ସବୁ କେମିତି ପରିଷ୍କାର ହଉ। ଯେତେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଗଲା ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଯେତେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଗଲା ଆମର ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୂତାଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତିଟା କରିପାରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ। ତା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରାହେଇପାରୁନଥିଲା ତା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅବଧୂତଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ସବୁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଜଠରାଗ୍ନି ନିରତ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଆକାର କ'ଣ ତା କ'ଣଙ୍କର କହିହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଆକାର, କିନ୍ତୁ ପାପୀ ହଉ ପୁଣ୍ୟବାନ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ତାହେଲେ ସେ ମିତ୍ର, ଯଦି ଅସାବଧାନ ହେବା ତାହେଲେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆମ ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। কথা কথা।